अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं अपने एक जानने वालों के पास। इनके एक छोटा सा फार्म हाउस है, यहाँ पे इन्होंने देसी मुर्गियाँ, मुर्गे, असील मुर्गे, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, कबूतर वगैरह रखे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत इनके जो दरख्त हैं उधर, उसमें माल्टे वगैरह लगे हुए हैं, कीनू वगैरह लगे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे, इनसे मिलवाएंगे भी। उम्मीद है आपका आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ 2 मिनट नहीं लगते, बल्कि 10 सेकंड नहीं लगते अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाजमी क्या करें, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इन्होंने असील रखा हुआ है, बड़े खूबसूरत असील हैं, देसी हैं इनके, ये असली शहद रखा हुआ है, ये देसी अंडे हैं, ये यहाँ पे सेल भी करते हैं देसी अंडे। वो देखें कबूतर, बड़े प्यारे पिंजरे बनाए, खुली जगह है, बहुत खूबसूरत तरीके से हर चीज़ की। ये आप देख रहे होंगे कीनू लगे हुए दरख्तों पे, और बिल्कुल पीले हो चुके हैं, खाने के काबिल हो गए। ये एक पिंजरा और है, इसमें अलग से रखे हैं मैं, ये देखिए। असील मुर्गियां हैं, असील मुर्गे हैं, देसी मुर्गियां हैं, मिक्स हैं यहाँ पे हर चीज़ से। बड़ा प्यारा सा इन्होंने यहाँ झूला लगाया हुआ है ये, और सामने भी आप ये जो रूम देख रहे हैं झूले के पीछे नज़र आ रहे हैं, उन पे भी इसी तरीके से इन्होंने अपने मुर्गे मुर्गियाँ रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये देखें देसी मुर्गियाँ, किसी दिन इंशाल्लाह इनसे भी हम मुर्गी ख़रीदेंगे और देसी मुर्गी यहीं इन्हीं के पास ही बैठ के कटवा के खाएंगे, ये मैंने इरादा किया हुआ है। फ़िलहाल तो मैं आपको इनका छोटा सा, ये जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है अपना फार्म, और ये जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं इसमें, ये सब चीज़ें दिखाऊँ। ये देखें, ये देखें जी, ये 2 असील रखे हुए इधर, ये इनका एक पिंजरा है, अभी ये फ़िलहाल खाली है, लेकिन इधर भी बहुत जल्द जानवर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ से पूरा गांव ऐसा क्लियर नज़र आता है माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत लगता है। इनके पास गायें हैं, गायें, उसका बछड़ा वगैरह भी है, पर वो अभी शायद लेके गया हुआ है कोई खाना खिलाने के लिए उनको ना बाहर, तो वो तो मैं आपको भी नहीं दिखा सकता। अच्छा जी, ये देखें, ये एक फल है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता, ये भी देखें कैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये शक्ल से तो कीनू जैसे लग रहे हैं, ओ नींबू जैसे लग रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के, लेकिन ये क्या चीज़ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बेहतरीन है। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताएं, वैसे तो मैं इनसे पूछ लूँगा, लेकिन अगर आप लोगों में इससे भी किसी को इस चीज़ का नाम पता है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है? आपके इलाके में इसको किस नाम से पुकारा जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है? ये देखें ज़बरदस्त नींबू लगे हुए हैं, पीले भी हो रहे हैं, और ऐसे प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश नींबू लगे हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, जिनका ये फार्म हाउस है मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, उनसे पूछते हैं कब उन्होंने काम स्टार्ट किया, कैसा चल रहा है, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बस अल्लाह का शुक्र सर। मैं तो आपको पता है आपके यहाँ कम अज़ कम 5 साल से आ रहा हूँ, तो पहले आपने बहुत ही ज़्यादा छोटी मुर्गियाँ रखी हुई थी, देसी और अंडे थे, आजकल ये असील का क्या शुरू किया हुआ है आपने? ये असील का ये प्यार के पलेखे है, आजकल किसी को तो असल चीज़ मिले खाने के लिए, तो ये जो असील है ये शौक से रखा हुआ है या वैसे ही? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब ये बताएं सर जी, कब काम स्टार्ट किया था आपने? ये काम स्टार्ट किए हुए तो 20 साल हो गए।
अच्छा अच्छा तो बस ऐसे हम मैं शौकिया करता हूँ, प्रोफेशनली नहीं करता हूँ इस तरह, वैसे शौक है इनका परिंदों का। तो 20 साल से माशाल्लाह आप ये शौकिया ये काम कर रहे हैं, और आपके पास तो मेरे ख्याल से गाय वगैरह भी थी, वो नजर नहीं आई इस बार। बिल्कुल है, बिल्कुल है, दूध प्रोड्यूस करती हैं, बछड़े हैं उनके, गाय घर की ब्रीड है हमारी। हाँ वही ना, अभी नजर नहीं आ रही, तो मैं ये हैरान हो रहा था कि यार ये कहाँ चली गई है। वो दूसरी साइड पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे असल में शोर बहुत है भाई, थोड़ी आवाज़ में मसला आएगा क्योंकि बिल्कुल रोड पे बना हुआ है ना, तो गाड़ियों का गुजर बसर यहाँ चलता रहता है। अच्छा ये आजकल ये मूंगफली का स्टॉल भी लग गया यहाँ पे। ये दोस्त हैं बस, फ्री थे तो वो कहते मैंने लगाना है। अच्छा अच्छा, तो आपने अपने दोस्त को लगाने की इजाज़त दे दी। ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बहरहाल तो अभी ये जो कीनू का सीजन आने वाला है, तो ये कीनू लगे हुए छोटे छोटे से हमारे पास लगा हुआ है, कीनू लगे हुए हैं, मौसमी है, मीठा लगा हुआ है, अच्छा माल्टा लगा हुआ है, नींबू लगे हुए हैं, ग्रेपफ्रूट है। तो ये आप अभी सेल करेंगे या ये घर के यूज के लिए होते हैं? जो आए अपने शौक से खाने की हद तक ठीक है, शॉपर वाला नहीं है। हाँ शॉपर वाला नहीं, खाने की हद तक आप लोग ले लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट जी, अंकल ने देखें कितनी बड़ी बात की है कि जो यहाँ पे इनके पास आते हैं ना लोग, ये देखें तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये देखें अंकल की कॉल आ गई थी तो वो वहाँ चले गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाऊँ जो दिखा सकता हूँ। ये देखें सिर्फ कीनू उधर नहीं है, ये आपको इधर भी भरे हुए नज़र आएंगे फ्रूटर और कीनू लाइन से। ये देखें इन्होंने माशाल्लाह इस पर दरख्त लगाए हुए और वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि बंदे को मज़ा आ जाए। ये देखिए ये लगे हुए। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और अभी ये पीले होने शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी इनका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और एक दरख्त में तो मुझे बहुत सारे ये बिल्कुल ऑरेंज नज़र आए ज़बरदस्त, जो उस साइड पे मैंने शुरू में आपको दिखाया था। यहाँ से इनका व्यू है फार्म हाउस का। ये शौकिया करते हैं, तो शौकिया ये सारा इनका सेटअप इन्होंने रखा हुआ है, इधर ही बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हम लोग इनसे मिलते हैं तो ये सुबह से लेकर शाम तक यहीं होते हैं। ये अभी अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर्स आते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या अंडों की प्राइस इस वक्त चल रही है देसी अंडों की। तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो अंकल जी ये कौन सी जगह है, किधर है ये? ये देरा गांव है, फेस एट के नज़दीक है, अवामी बिल्ला के साथ ही बिल्कुल। हाँ ये रावलपिंडी फेस एट की करीब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो ये यहाँ से आप बोल सकते हैं, ज़िंदा भी अगर आपको मुर्गे लेके जाने हैं, मुर्गियाँ लेके जानी वो भी मिल जाएंगी, और अगर आपको कटवा के लेके जानी तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को ना। तो दूसरा इन्होंने पूरा सेटअप वो देखें वहाँ रखा हुआ है, वहाँ वो पूरी कटिंग्स वगैरह का काट वाट के देते हैं लोगों को, मुर्गियाँ वगैरह जो भी चाहिए होती है। असली शहद भी रखा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। मैंने कल से पूछा शायद ये भी किसी फल का दरख्त होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये सुख चैन का दरख्त कहते हैं इसको, ये पूरे दिन इसी तरह पूरे साल जो है ना सॉरी इसी तरह छांव देता है, तो इसके ठंडक होती है, इसके नीचे बैठने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये इसलिए उन्होंने ये दरख्त यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस दरख्त का नाम उन्होंने बताया, इसका दरख्त को सुख चैन के नाम से जानते हैं लोग। असल में हम गलत टाइम पर आ गए हैं शायद, मुझे लगता है क्योंकि मैं गुजर रहा था तो मुझे अंकल नज़र आया, तो मैंने कहा चलो इनसे बात करता हूँ। तो अंकल थोड़े बिजी लग रहे हैं क्योंकि इनका कुछ छोटा मोटा यहाँ पे फार्म हाउस में काम चल रहा है इनका, तो इसलिए वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके, प्लस यहाँ से गाड़ियों का गुजरना होता है तो वो बहुत शोर होता है, तो जिसकी वजह से जो है बात समझ में भी नहीं आ रही थी, तो मैंने इतना ज़्यादा उनको फोर्स नहीं किया कि हमें सब कुछ बताएं। लेकिन ये है कि ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अंकल जी का नंबर शेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों से किसी को भी कभी दिल करे तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसा आपको उन्होंने दिखाया कि जो लोग आते हैं जो ऑरेंजेस ऐसे ही खाते कहते हैं, थैली में नहीं देता, लेकिन अगर यहीं कोई एक दो खाना चाहता है तो मैं खाने देता हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक सेटअप रखा हुआ है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं 4-5 साल से अंकल को जानता हूँ, 4-5 साल से मैं यहाँ आता भी हूँ। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला अगर आप में से कोई भी आना चाहे आए उसको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, सुकून वाला। अच्छा मैंने अंकल से रिक्वेस्ट की तो अंकल ने कहा कोई मसला ही नहीं यार, जितना दिल चाहे ले लो। तो मैं भी 2-3 नींबू यहाँ से ले रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, और
फिर एक दो किलो भी मैं वहाँ से तोड़ूंगा। तो हम देखते हैं कौन सा नींबू लेना है। तो ये जो पीले हैं वो नज़र कम आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो तोड़ते हैं। ये एक ये तोड़ते हैं और देखते हैं और किधर लगा हुआ है। ये छोटे छोटे से हैं और इनको खा के देखेंगे कैसे हैं। तो मैं एक दो ये भी तोड़ूंगा। ये देखें, एक दो और तीसरे के लिए हम ये तीसरा हम ये तोड़ते हैं। ठीक है जी, अंकल से इजाज़त लेके हमने तोड़ा है, अंकल ने हमें इजाज़त दी है, हम ये लेके जा रहे हैं अपने साथ। अच्छा अंकल जी अपना नंबर बता दें। 0302-277-1188। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है, रब्ता करना है, कुछ चीज़ लेनी है तो इस नंबर पे अंकल से रब्ता कर सकते हैं। अंकल आपका नाम भी बता दें। शाहिद। ठीक है। हाँ जी, ये ग्रेप फ्रूट आपने देखा था, हमने वहाँ तोड़ लिया था, तो उन्होंने हमें ही दे दिया उन्होंने। तो हम ये जो है काटते हैं। ठीक है, चलो भाई काटना शुरू करो। बिलाल भाई इसको काट रहे हैं, बिलाल भाई को जोश चढ़ा हुआ। देखें अंदर से होता कैसा है। वैसे खाया होगा पर अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, फिर छिलके ज़्यादा अंदर से, तो छोटा सा। हाँ हाँ, जबरदस्त। ये आ गया मेरे हाथ में, देखते हैं कैसा है। यार तो बहुत ही खट्टा है, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा है भाई। मेरे हाथ में आया, मैंने चेक किया, बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। ये कैसे खाते समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है नमक के साथ खाना पड़ेगा। ओह चले जी, मैंने तो खा लिया, बिलाल भाई खा के देख रहे हैं, बहुत ही खट्टा है। मैंने तो इनको बोल दिया, लेकिन ये नमक डाल के देना खाने के चक्कर में। खट्टा नहीं है बहुत। सर बताओ जो भी है एक्टिंग कर रहा है, बहुत मजे। खट्टा नहीं लगा आपको? थोड़ा थोड़ा है, ये होते ही थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा थोड़ी होते है। मुझे तो बहुत खट्टा लग रहा है यार। कीनू होते हैं ना, थोड़ा उससे थोड़ा सा ज्यादा खट्टा है बस। तो बचा गया यार। बहरहाल जी मुझे तो बहुत खट्टा लगा, पर नमक के साथ शायद ज्यादा मजा आ रहा है। ये शौक से खा रहा है।